हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यर स्टेशनरीज। आज हम बात करने वाले हैं फेबर कैस्टल वाली ज्योमेट्री बॉक्स। तो क्या है, चलिए देखते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, हमारा दूसरा चैनल है जो कि ये आर डिजाइंस, आप उस चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो वॉच करें। और हाँ, हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको जरूर फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, तो ये वाला है फेबर कैस्टल का ज्योमेट्री बॉक्स जो कि इसका नाम है स्टेलर। बहुत से लोग ये ज्योमेट्री बॉक्स को बहुत पसंद करते हैं, क्यों? तो चलिए आपको मैं डिटेल्स पूरा दिखा दूंगा। पहले ज्योमेट्री बॉक्स को ओपन करते हैं, डिटेल्स देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अनबॉक्स करके आपको मैं दिखा दूँ। तो पहले हम जब ओपन करते हैं तो पहले ही हमको ज्योमेट्री बॉक्स हाथ में मिल जाता है, दूसरा के अलावा कुछ नहीं मिलता, जो कि साथ ही साथ एक पेपर भी आता है। ये वाला पेपर रेफरेंस के लिए है, जो भी नए नए यूज़ कर रहे हैं उनके लिए है। तो आप ज़रूर पढ़कर देखिए, इसके अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए ज्योमेट्री बॉक्स को आपको मैं चारों तरफ भी दिखा दूं कि इसका क्वालिटी कैसा बिल्ड हुआ है, क्योंकि आपको फैक्ट दिखाना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, तो चलिए फाइनली ओपन करके आपको मैं दिखा दूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सब ज्योमेट्री बॉक्स में यही आइटम पाया जाता है और यही मिलता है। सब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, तो इसके अंदर की क्वालिटी डिफरेंस है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला जो मैं हाथ में पकड़ा हूँ, ये बहुत मेटल में बना हुआ है और ये वाला अच्छे से काम भी आता है। क्यों बोले तो ये वाला बहुत थिक है, स्मूथ है, सॉफ्ट है और शाइनी शाइनी होता है। आपको पसंद आएगा पकड़ने के लिए, यूज़ करने के लिए। आप ये वाला कॉम्पोस, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि कितना स्ट्रांग है, कितना हैवी है और कितना शाइनी है। तो चलिए बात करते हैं पेन पेंसिल की, लिट की। ये आपको पेन पेंसिल इसके अंदर आपको 0.5 आएगा और 2B में मिलेगा, जो कि डार्क में लिखता है। और आपको मैकेनिकल पेन पेंसिल भी मिलेगा, जो कि डॉटेड ग्रिप में आपको मिलता है और अच्छे से ग्रिप मिलती है पकड़ने के लिए पेन पेंसिल। इसका जो शार्पनर है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मैं ऑलरेडी यूज़ किया हूँ, बहुत अच्छा है, आप ज़रूर लेकर देखिए। और आपको इरेजर है, उतना तो नॉर्मल ही है, ये इतना भारी नहीं है, सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं टाइम पास के लिए। तो चलिए बात करते हैं स्केल्स की। मुझे सब पसंद आया इस ज्योमेट्री बॉक्स में, एक ही चीज़ पसंद नहीं आई, जो कि स्केल। ऐसा ही सेम ज्योमेट्री बॉक्स आपको दूसरी कंपनी में मिलेगा, जो कि क्लासमेट में मिलता है और उस ज्योमेट्री बॉक्स का नाम है ऑस्ट्राइड, जो कि 250 रुपीज़ में भी आपको मिलता है। इसमें का उसमें का फ़र्क मैं बहुत आपको पहले ही आपको दिखा दूँ। मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स तो नहीं है दिखाने के लिए, स्टॉक ख़त्म हो गया है, सॉरी। तो उसके अंदर आपको डबल साइड स्केल मिलता है, डबल साइड बोले तो आपको 30 सेंटर की भी मिलती है, 15 सेंटर की मिलती है, आप फोल्डेबल रोटेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक स्केल दिखाता हूँ। तो जो स्केल है, जो ये वाला है, सेम आपको क्लासमेट में भी मिलती है, जो कि वो भी अच्छी क्वालिटी की स्केल आपको मिलती है उस ज्योमेट्री बॉक्स में। अगर से फेबर कैस्टल ने वो स्केल इस बॉक्स में दे दिया तो ये वाला बहुत अच्छे से ज़्यादा सेल होता, क्योंकि बहुत अट्रैक्ट होता है ये वाला कंपास मुझे, और सबको भी शायद अट्रैक्ट होता है। आप हमें ज़रूर कमेंट कर बोलिए कि आपको ये स्केल्स या ज्योमेट्री बॉक्स कैसा लगा। इसके अंदर के जो स्केल्स हैं वो तो नॉर्मली है, जैसे कि सभी ज्योमेट्री बॉक्स में पाए जाते हैं। ओके, अगर से इस ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस 200 रुपीज़ होता तो बहुत सारे लोग ज़रूर इसको बाय करते और अच्छे से रिव्यू देते हैं। ऑलरेडी ज्योमेट्री बॉक्स अच्छा ही है, फिर भी 250 रुपीज़ का प्राइस ज़्यादा है। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बोलिए क्या इसका प्राइस ज़्यादा है या नहीं, क्या ये आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बस इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू फैमिलीज़।